चलेगा, हिंदू मुस्लिम का साथ चलेगा। पीस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। पीस पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर अय्यूब जिंदाबाद। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम का साथ चलेगा। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम का साथ चलेगा। पीस पार्टी जिंदाबाद, पीस पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर अय्यूब जिंदाबाद। पीस पार्टी समाज के कमजोर तबकों की लड़ाई लड़ रही है और भाजपा की सरकार ने हर समाज को छला है, मुसलमानों के साथ साथ पिछड़े दलित को सवर छला है और गरीब सवर्णों को भी, गरीब सवर्णों के आरक्षण के नाम पर उनके साथ भी नाम स्थापित किया है, उनके साथ भी छला है। पीस पार्टी इन सभी मुद्दों को लेकर के जनता के बीच आएगी और मजबूती से लोक विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है महाराष्ट्र का, उसमें हिस्सा लेंगे। आपको बधाई हो, आपको एक नई नियुक्ति मिली है, जिम्मेदारी मिली है, कैसे अपने अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी पर खरा उतरेंगे क्योंकि आपके सामने चुनाव जैसी बड़ी भूमिका है? सामने देखिए, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, जाए ज़्यादा। समय आपके पास बहुत कम है, कैसे पूरे महाराष्ट्र भर में आप अपने प्रत्याशियों को चयन करेंगे, कैसे तक जाएंगे, चुनाव को लड़ाएंगे, किस स्ट्रेटजी से काम करेंगे? कोशिश करेंगे, टाइम है हमारे पास, इंशाल्लाह। कोशिश तो हमारी ये रहेगी कि हम पूरी सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारेंगे। महिलाओं को कितने सीट्स देंगे? अगर फिलहाल एक महिला तो हमारे सामने मौजूद है और उसके बावजूद हम सोच रहे हैं कि कम से कम 15-20% महिला को हम दें। मुंबई में क्या लगता है आपको, किस पार्टी के साथ आपका मुकाबला? मुकाबला तो हमारा फिलहाल ऐसा तो हम नहीं बता सकते कि किसके साथ है। हम अपने आप को अब साबित करेंगे कि हम जीतने की कोशिश करें। हम मुकाबले के लिए नहीं उतरे, हम लोगों की खिदमत करने उतरे। मुंबई के कौन से प्रॉब्लम्स लेके आप जनता के बीच जाएंगे? यहाँ की कई समस्याएं हैं, आप आज देखिए रोड के करोड़ों रुपये रोड नहीं बनता है, रोड के लिए खा जाते हैं। आज के एक वक्त था कि MLA फंड, MP फंड के हर बिल्डिंगों में लगी रहती थी। खास तौर से आपको साउथ मुंबई एरिया, उसमें पहले लगा था, आज कितनी बिल्डिंगें वहाँ गिर रही हैं। उसको यहाँ पर डेवलप के लिए आने के बावजूद आज नहीं हो रहा है और हर बरसात के टाइम में 2-4 बिल्डिंगें गिर रही हैं और उसमें हमारे आम आदमी, गरीब लोग मारे जा रहे हैं। उसके लिए को हम लड़ाई लड़ेंगे कि भाई जल्द से जल्द ये सबको डेवलपमेंट किया जाए। ठीक है, थैंक यू।